नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनटीपीसी पदों पर जो आवेदन मांगे गए थे उनके लिए सामान्य विज्ञान से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हमने इसमें इकट्ठा किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप कम्प्लीट देखें और बाकी आप पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ में पढ़ने का मज़ा कुछ अलग है और वीडियो में पढ़ने का मज़ा अलग, तो ये बात ध्यान में रखें और वीडियो भी एक बार जरूर देख लें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों भौतिक विज्ञान, जिसका ये पार्ट वन है। इसी तरह हमने इसमें अलग अलग भागों में बांटा है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। इसी तरीके से हम आपके सभी सवाल कवर कर देंगे। तो आज ये देखते हैं हम भौतिक विज्ञान। इसका पहला प्रश्न कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना डैश में की गई थी। दोस्तों ये की गई थी 1969 में। इसका मुख्यालय यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। संगठन की स्थापना इसरो द्वारा की गई थी 1969 में और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न आता है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? ये भी ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा में है। फिर नंबर चार, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नंबर पाँच, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी, ये डैश ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता आई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर छः, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? यह किया गया था 19 अप्रैल 1975 में। फिर सातवें नंबर पर आता है, भारतीय उपग्रहों की IRS यानी के IRS श्रृंखला का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। इस ये ध्यान रखना है आपको, रिमोट सेंसिंग यानी के इंडियन रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। फिर आठ नंबर आता है, डैश इसरो का धरोवर लॉन्चर बन गया, ये बन गया SLV। फिर नंबर नौ आता है, ये क्या कहता है, भारत में SLV पहली बार भारत में कब लॉन्च किया गया था? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 24 मार्च 1987 में 150 किलो क्षमता वाला, और दूसरा जो लॉन्च हुआ था वो 13 जुलाई 1988 में किया गया था। नंबर दस आता है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? यह है एप्पल यानी के एरियन पैसेंजर नितभार प्रशिक्षण। नंबर 11, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह डैश था, यह एप्पल था। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? यह था आर्यभट्ट, नामकरण आर्यभट्ट द्वारा ही किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मैटसैट क्या है? यह है दोस्तों भू समकालिक उपग्रह। इसे कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना प्रथम का नाम दिया गया है। फिर नंबर 14 आता है, इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाले मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? यह 26 जुलाई 2013 में किया गया था। फिर अगला, इनसेट 2E यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये 13 अप्रैल 1999 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। आता है नंबर 16, कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? यह है दोस्तों IRNSS ठीक है, 1500 किलोमीटर के दायरे में ये काम करने के लिए होता है, ये भी ध्यान रखना है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? ये GSAT-7 है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। फिर
नेक्स्ट आता है आपका, भारत में पहली बार GSLV का इस्तेमाल कब किया गया? GSLV पहले हमने पढ़ा था, SLV ये किया गया था 2001 में। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? ये कनाडा का है, 2003 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर आगे देखते हैं, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ये 1969 में, जिसने नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलिड्रन को जुलाई 1969 में चांद पर उतारा था। ये वही है, आपको ध्यान रखना है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने पहले निजी वित्त पोषित मानव अंतरिक्ष यान को पूरा किया था? ये था दोस्तों स्पेसशिप 1, ये भी ध्यान रखना है। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ये 22 अक्टूबर 2008 में किया गया था। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने डैश प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, ये प्रथम था सितंबर 2014 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है? ये वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जुलाई 1958 में। फिर नंबर 25, डैश पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, ये था एक्सप्लोरर 1। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। फिर 26, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण डैश के द्वारा किया गया, ये किया गया सोवियत संघ 1957 में। इसका जो आकार है वो है बॉल जैसा, यानी कि गोल। फिर अगला आता है, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा का कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? ये जेनसिस से लाया गया था। फिर नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS, ये इसी की फुल फॉर्म है, द्वारा कितने सदस्य भेजे जा सकते हैं? ये आपको ध्यान रखना है, 10 सदस्य। ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आता है, यूथ सेट एक है उपग्रह। फिर आता है नंबर 30, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलता पूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? ये था दोस्तों नाग, जिसकी मारक क्षमता है 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक की। फिर आता है, रुस्तम 2 क्या है? यह DRDO द्वारा निर्मित मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। फिर आता है अगला, भारत की लंबी दूरी की मिसाइल में से कौन सी पहली बहुलक्ष्य मिसाइल है? यह है आकाश, सतह से हवा में चलने वाली। ये आकाश जो मिसाइल है, इसके बारे में काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है, डैश एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है, यह है तेजस। यह है भारतीय वायुसेना से MiG-21 का स्थान लेगा। फिर अगला आता है नंबर 34, भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत सेना से कब सेवामुक्त किया गया? ये दोस्तों 4 मार्च 1967 को शामिल हुआ था, ठीक है, और 31 जनवरी 1997 को सेवामुक्त कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। INS अरिहंत क्या है? ये पनडुब्बी है जिसमें 6,000 टन का वजन है। भारत विश्व का छठा देश बन गया है जिसके पास इस तरह की पनडुब्बी है। फिर नेक्स्ट आता है, HL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? ये है HT-2, 1953 को अस्तित्व में आया था और 1990 को सेवानिवृत्त हो गया था। फिर नेक्स्ट आता है, सोवियत स्पूतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाए जाने वाला पहला जानवर कौन सा है? दोस्तों सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम की कुतिया को स्पूतनिक 2 से भेजा गया था, ठीक है। फिर 28 मई 1959 को एबल और बेकर नाम का बंदर भेजा गया था। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। फिर नेक्स्ट, साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान यानी के SINP
कहाँ स्थित है? ये है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। फिर आता है थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट डैस के आविष्कार से जुड़े हैं ये दोस्तों। क्लिनिकल थर्मामीटर 1866 में 5 मिनट में तापमान दर्ज करने में सक्षम था, ये ध्यान रखना है। फिर आता है लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी, हाल में ही खबरों में क्या था, ये था गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज करने के लिए, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिकीय वर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भू भौतिकीय वर्ष यानी कि IGY इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर, ये जुलाई 1957 से दिसंबर 1958 के मध्य मनाया गया था। नेक्स्ट, कौन सा मोटर ग्राइंडर में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों ये मिक्सर ग्राइंडर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, किस गति के कारण सी सो, ठीक है ये नाम है एक, पर बच्चा ऊपर और नीचे आता है? ये दोस्तों दोलनी गति के कारण सी सो पर बच्चा ऊपर नीचे आता है। फिर अगला आता है 2016 एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर उस मंगल ग्रह मिशन की श्रृंखला का पहला मिशन है जो दो अंतरिक्ष एजेंसियों ESA यूरोप और डैस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है, यानी कि इसके साथ दूसरी कंपनी कौन सी है ये पूछा है, वो है दोस्तों रोसकोसमोस जो कि रूस की है। फिर नेक्स्ट, क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? मंगल मिशन MOM जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है प्रोजेक्ट लून डैस की एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई यानी कि अधिक ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट प्रदान किया जा सके, ये दोस्तों गूगल है, प्रोजेक्ट लून गूगल इसका नाम है परियोजना का, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट आता है समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जेपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये की गई थी टेरी के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। फिर आता है नेक्स्ट, मोबाइल में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में डैश शामिल नहीं है, यह है ध्वनि संप्रेषण। फिर आता है अंतिम सवाल आज का, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? दोस्तों छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, अमेरिका के डेनिस टीटो विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो ये छुट्टी मनाने के लिए है, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे इसे गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और इसकी PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर इसे एक बार रिवाइज जरूर कर ले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।